तो बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी मिड टर्म एग्जामिनेशन सेशन 2024-25 मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को। तो ध्यान से देख लो कि आपने कितना राइट किया था, कितना रॉन्ग। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, गद्यांश को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ग राइट है। सेकेंड क्वेश्चन में गद्यांश के अनुसार किसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, विजय बाबू के पास। अब सेकंड क्वेश्चन पद्यांश था, पद्यांश को आप पढ़ लेना, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। काव्यांश में किसकी सीमा को पाने की बात की गई है, तो आकाश खा ऑप्शन। अगला, काव्यांश के अनुसार पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलना। ठीक है, आगे व्याकरणिक प्रश्न है। इसके बाद में पराया शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपना। नीचे दिए गए विकल्पों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए, क्या हो जाएगा, बचपना। नीचे दिए गए शब्दों में द्वंद्व समास का उदाहरण है दिन रात। ठीक है, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद है जगत प्लस ईश। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 4 गद्यांश था, गद्यांश को आप पढ़ लेना, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, जो करना है। लेखक को बदलू सबसे अच्छा आदमी लगला क्यों लगता था, तो का ऑप्शन, क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जो बच्चे गोलियों लिखे होंगे ये गलत है, ध्यान रखना, यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, कहीं इससे तालमेल बना लें। अगला, गद्यांश में लेखक को अपने मामा के गांव जाने का चाव क्यों था, तो रंग बिरंगी गोलियां मिलने के कारण। ठीक है, खा ऑप्शन। अगला, गद्यांश में वह क्या है जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, तो रंग बिरंगी गोलियां, गा ऑप्शन। अगला, गद्यांश के अनुसार गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर बुलाते थे, बदलू काका, घा ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन काव्यांश है, आप अच्छे से पढ़ लेना, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, जो हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, काव्यांश के अनुसार भगवान की डाकियां कौन है, पक्षी और बादल। काव्यांश के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश तक। अगला, काव्यांश के अनुसार चिट्ठियाँ कौन लाता है, पक्षी और बादल। अगला, काव्यांश के अनुसार पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या करते हैं, चिट्ठियाँ बांटते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लाख की चूड़ियाँ पाठ में बदलू को सबसे अधिक चिढ़ किससे थी, कांच की चूड़ियों से। अगला, बस की यात्रा पाठ में लेखक बस में कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे, पन्ना से सतना तक। ठीक है, अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, आपके पाठ्यपुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता कौन सी है, तो भगवान के डाकिए। अगला, भगवान के डाकिया पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है, सुगंध। ठीक है, लास्ट सेशन वाले पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महात्मा शब्द में समास है कर्मधारय, व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, व्यापार प्लस एक, एक प्रत्यय, व्यापार मूल शब्द है। ठीक है, मीठे शब्द का भाववाचक संज्ञा मिठास, नीले फूल ले आओ वाक्य में विशेषण नीले। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन 9, भगवान के डांकिया किसे कहा गया, पक्षी और बादल को। भगवान के डांकिया द्वारा लगी चिट्ठियां कौन पढ़ते हैं, पेड़ पौधे पहाड़ पानी, कुछ भी लिख दो। अगला, एक देश का भाव दूसरे देश में क्या बन जाता है, पानी। अगला, पक्षी एक देश से दूसरे देश में सुगंध कैसे ले जाते हैं, पंखों द्वारा। ठीक है, टोटल इस वीडियो में इतना क्वेश्चन डिस्कस किया, बाकी पूरे पेपर का सॉल्यूशन शाम तक आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।